Myself, Anita, I'm your computer teacher. Today we will discuss in chapter 7, there are some topics. Okay, आज हम लोग chapter 7 में कुछ ऐसे topic को देखेंगे, ठीक है? सबसे पहला topic है आपका string concatenation, ठीक है? सबसे पहला topic क्या है? String concatenation. String concatenation कहने का मतलब कि कैसे हम string को जोड़ते हैं, ठीक है? Concatenation का कहने का मतलब होता है join, यानी कैसे हम दो string को join करते हैं concatenation की मदद से, ठीक है? उसके बाद next हमारा जो topic होगा maths library function. Maths library function हमारे small basic में available होते हैं. इससे क्या करते हैं कि हम लोग certain coding को perform करने में मदद कर पाते हैं, ठीक है? अब जैसे सबसे पहला देखें ये topic string concatenation. ये आप concatenate जो word आया join, इसका कहने का मतलब है join, यानी दो string को कैसे जोड़ा जाता है वो concatenation की मदद से हम लोग जोड़ सकते हैं. So students, string concatenation दो string को जोड़ता है, ठीक है? यानी दो string को जोड़ करके एक single string बनाता है, okay? यानी concatenation की मदद से अगर हम दो string ले रहे हैं तो वो जोड़ करके एक single string बनाता है और वो उसको जोड़ने के लिए हम लोग plus operator का इस्तेमाल करते हैं. किसका? Plus operator का, ठीक है student? Plus operator का इस्तेमाल करते हैं हम string concatenation दो string को जोड़ करके एक string बनाने का, तो वहाँ पे हम लोग plus operator का इस्तेमाल करते हैं, plus sign का. तो इसका जो syntax देखेंगे, ठीक है? Syntax देखेंगे आपका right line, हमने statement लिखा, ठीक है? Right line का उसमें हम लोग bracket में text one plus inverted comma, double inverted comma में हमने text one, उसके बाद double inverted comma में text two, ठीक है? Double inverted comma close, bracket close कर दिए. ये हमारा syntax होगा. हम कैसे दो string को string concatenation की मदद से जोड़ते हैं, तो उसके लिए जो हमारा syntax होगा small basic में right line bracket open bracket double inverted comma में text one, एक पहले text को लिए, उसके बाद उसको double inverted को close किए, plus का sign यहाँ पे देख रहे हैं, ये plus operator को इस्तेमाल किया जाता है दो string को जोड़ने में, ठीक है? जैसे ही आप plus का इस्तेमाल करते हैं दो string को जोड़ने में, तो वो जो आपका output होगा वो दो string को एक string में जोड़ने में मदद करती है, ठीक है? दो string में मदद करती है, okay student? यानी जैसे ही आप दो string को जोड़ रहे हैं तो आप एक string को output display होगा, ठीक है? आपको एक display होगा, okay student? चलिए, तो आपको इसको कैसे करके देखना है, आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ पे कैसे हम plus operator का इस्तेमाल कर करके हमने अपने कोडिंग में प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कैसे दो स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग बनाना है वो देखेंगे अभी कोडिंग में. सो यहां पे स्टूडेंट देखेंगे पहला स्टेटमेंट जो है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, हमने जो लिखा था, ठीक है? डॉट राइट लाइन स्टेटमेंट. उसके बाद हम लिखेंगे दो टेक्स्ट, Dear student, पहले टेक्स्ट में लिखेंगे Dear students, ठीक है? ये हमारा पहला हो गया. उसके बाद प्लस का साइन फिर इंपॉर्टेंट कॉमा में Enter your name. दो हमने टेक्स्ट दिया, इस दो को किसके साथ हमने किया? प्लस ऑपरेटर के साथ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे n equal to text window dot read, ठीक है? dot read स्टेटमेंट के जरिए हमने, यानी हमारा जो भी डेटा होगा वो क्या करेगा? शो करेगा डिस्प्ले विंडो पे, उसके बाद उस डेटा को रीड करेगा, रीड करने के बाद आपको वो दिखाएगा कि उसका आउटपुट क्या होगा, ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट में हम टेक्स्ट विंडो पर से लिखेंगे टेक्स्ट विंडो राइट लाइन. उसके बाद हम यहाँ पे योर नेम इज, इस स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे योर नेम इज
enter your name. Enter your name. ठीक है, ये हमारा आ गया, डिस्प्ले किया हमने, डिस्प्ले कर दिया हमारा नाम रॉबिन. ठीक है, इस तरीके से हमारा डिस्प्ले हो गया. उसके बाद फिर योर नेम इज जो हमारा एन वेरिएबल में हमारा जो नाम था, ठीक है, रॉबिन, वो हमारे थर्ड स्टेटमेंट में शो कर देगा. योर नेम इज रॉबिन, हमने एन वेरिएबल में जो नाम इनपुट किया था रॉबिन, वो हमारा इस स्टेटमेंट में जाकर के शो हो जाएगा और इस तरीके से आपका वो डिस्प्ले करेगा आपके आउटपुट स्क्रीन पे. ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, कैसे दो स्ट्रिंग को जोड़ करके हमने एक स्ट्रिंग बनाया. ठीक है, यानी योर नेम इज रॉबिन, हमने दो स्ट्रिंग को जोड़ करके कैसे हमने एक स्ट्रिंग बनाया, ये थर्ड स्टेटमेंट में आपको देखने को मिला. ठीक है, अब आते हैं मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शन. मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शन क्या कहलाता है कि हमारे स्मॉल बेसिक में ऐसे बहुत सारे मैथमेटिकल आपको फंक्शन दिए गए हैं जो हमारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है. तो सबसे पहला है आपका राउंड. क्या है? राउंड है. ठीक है, ये मैथ्स ये फंक्शन है आपका इस्तेमाल होता है राउंड ऑफ लेने के लिए. अगर कोई नंबर लिए है उसका राउंड ऑफ करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फंक्शन है राउंड का. किसका? राउंड का. और ये आपको सर्टेन नंबर्स के राउंड ऑफ करने को मदद करती है. जैसे लेंगे हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखेंगे. ठीक है, हमने यहाँ पे लिया 32.6. अब हम इसको कितना कर सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ देख रहे हैं 32.6 को हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ हमारा क्या हो जाएगा? 33. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे राउंड ऑप्शन को हमने यहाँ पे, ठीक है, राउंड ऑप्शन का इस्तेमाल किया. तो राउंड ऑफ में 32.6 को हम 33 बनाए. ठीक है, ये तो हमारा था राउंड फंक्शन. सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है? आपका मैथ्स. मैथ्स जो फंक्शन इस्तेमाल होता है किसी भी दो नंबर को कंपेयर कर करके एक दो नंबर को कैसे हम कंपेयर कर करके उसमें से मैक्सिमम हम लोग फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे दो नंबर के बीच में कैसे वहां से मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो हम मैथ्स फंक्शन की मदद से हम लोग फाइंड आउट करेंगे. देखिए यहाँ पे स्टूडेंट 64 और 23, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम क्या आएगा? यहाँ पे मैक्सिमम हमारा मैथ्स फंक्शन की मदद से स्टूडेंट 64 आया. क्या आया? 64 आया. ठीक है, उसके बाद थर्ड जो फंक्शन है आपका मीन फंक्शन. यानी मीन फंक्शन का इस्तेमाल होता है कि दो नंबरों के बीच में कंपेयर करके वहां से मिनिमम को फाइंड आउट करना. इस फंक्शन की मदद से हम लोग मिनिमम फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, जैसे फिर से देखेंगे यहाँ पे वही सेम प्रोसेस 64 और 23. तो हमने यहाँ पे मिनिमम फंक्शन का इस्तेमाल किया है मिनिमम फाइंड आउट करना है. तो मिनिमम के लिए यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा 23. ठीक है, क्या हो जाएगा? 23 आपका मिनिमम रिजल्ट आपको शो करेगा. ठीक है, ये तो था आपका मिनिमम. अब नेक्स्ट आता है आपका पावर. पावर जो फंक्शन आपका इस्तेमाल होता है, देखेंगे स्टूडेंट. चलिए नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है पावर. ठीक है, पावर इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसके बेस नंबर को रेज करने में. ठीक है, हम लोग स्मॉल बेसिक में पावर का इस्तेमाल करते हैं उसके बेस नंबर को रेज करने में. तो हमने ये जो पावर लिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 है. ठीक है, 2 पे पावर 3 है तो इसका हमारा जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 8 होगा. यानी ये जो 2 है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के जो रिजल्ट आउटपुट होगा वो हमारा 8 होगा. यानी ये नंबर को क्या करेगा? उसके बेस को रेज करता है. जो उसके बाद आपका फिफ्थ नंबर जो आपका फंक्शन है रिमाइंडर. क्या है? रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या करता है कि आपके फर्स्ट नंबर को, ठीक है, डिवाइड करता है. फर्स्ट नंबर को डिवाइड करता है और सेकंड नंबर को क्या करता है? आपको रिटर्न करता है एज अ रिमाइंडर. फर्स्ट नंबर को डिवाइड करके सेकंड नंबर को क्या करता है? रिमाइंडर के रूप में वो प्रोवाइड करता है. जैसे आप यहां पे देखेंगे एग्जांपल के रूप